बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमएस हाई स्कूल। आज हम क्लास टू इंग्लिश मीडियम की सोशल स्टडी पढ़ेंगे। हमारा आज का लेक्चर नंबर थ्री है। हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर वन, पाकिस्तान। कल हमने इसके क्वेश्चन आंसर किए थे, आज हम इसकी बाकी की एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज यानी मश्क। पहला सवाल है, टिक द करेक्ट आंसर। दुरुस्त जवाब पर टिक लगाना है। एक स्टेटमेंट हमें दी गई है, हमने इसको पढ़ना है और नीचे तीन जवाब हैं, तीनों में से जो जवाब दुरुस्त होगा हमने उस पर टिक लगाना है। पीपल हु लिव इन पाकिस्तान आर कॉल्ड। पाकिस्तान में रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं? नेशनल कौमी, पाकिस्तानी पाकिस्तानी या मुस्लिम। पाकिस्तान में रहने वाले लोग कहलाते हैं पाकिस्तानी। पाकिस्तानी पे टिक करेंगे। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान का दारुल खलाफा है फैसलाबाद, हैदराबाद या इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद, हम इस्लामाबाद पर टिक कर देंगे। नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान का कौमी खेल है हॉकी, फुटबॉल या क्रिकेट। तो पाकिस्तान का कौमी खेल है हॉकी, हम हॉकी पर टिक करेंगे। नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तानीज। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है इंग्लिश, उर्दू या पंजाबी। पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है उर्दू, हम उर्दू पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह पुर करें विद करेक्ट वर्ड, दुरुस्त अल्फाज के साथ। नंबर वन है, लैंड ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी डैश, यानी पाकिस्तान की ज़मीन बहुत क्या है, ज़रखेज़ है। तो यहाँ ब्लैंक में आएगा फर्टाइल। मैंने यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल कर लिया है ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। तो यहाँ ब्लैंक में आएगा फर्टाइल यानी ज़रखेज़। एवरी पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी इज़ द डैश ऑफ अदर पाकिस्तानी। हर पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी का क्या है, भाई है। तो यहाँ ब्लैंक में आएगा ब्रदर। ब्लैंक में क्या आएगा? ब्रदर। कराची इज़ द बिगेस्ट। कराची एक बड़ा डैश ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का है। क्या है कराची? पाकिस्तान का बड़ा शहर है। तो ब्लैंक में आएगा सिटी। यहाँ ब्लैंक में आएगा सिटी। डैश इज़ कॉल्ड पाकिस्तान्स मैनचेस्टर। पाकिस्तान का मैनचेस्टर कौन सा है? फैसलाबाद। ब्लैंक में आएगा फैसलाबाद। मारखोर इज़ कॉल्ड पाकिस्तान्स डैश एनिमल। मारखोर पाकिस्तान का कौन सा जानवर है? नेशनल यानी कौमी। तो यहाँ ब्लैंक में आएगा नेशनल।
क्वेश्चन नंबर टू है, विच वाज द कैपिटल, कैपिटल कौन सा है ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का बिफोर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से पहले, ये इस्लामाबाद से पहले पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा था? आंसर है कराची इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान बिफोर इस्लामाबाद। कराची इस्लामाबाद से पहले पाकिस्तान का कैपिटल था, लेकिन अब कौन सा है? इस्लामाबाद। क्वेश्चन नंबर टू, विच वाज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान बिफोर इस्लामाबाद। आंसर है कराची इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान बिफोर इस्लामाबाद। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट पीपल आर कॉल्ड लिव इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं? आंसर है पीपल हु लिव इन पाकिस्तान इज कॉल्ड पाकिस्तानी, पाकिस्तान में रहने वाले लोग पाकिस्तानी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट पीपल आर कॉल्ड लिव इन पाकिस्तान। आंसर है पीपल हु लिव इन पाकिस्तान इज कॉल्ड पाकिस्तानी। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाई इज मारखोर फेमस, मारखोर क्यों मशहूर है? आंसर है बिकॉज ही लिव्स ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन्स, क्योंकि ये पहाड़ों की बुलंदियों पर रहता है। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाई इज मारखोर फेमस? आंसर है बिकॉज ही लिव्स ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच लैंग्वेज, कौन सी जुबान इज स्पोकन, बोली जाती है एंड अंडरस्टूड और समझी जाती है इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में कौन सी जुबान बोली और समझी जाती है? आंसर है उर्दू इज स्पोकन एंड अंडरस्टूड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में उर्दू बोली और समझी जाती है। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच लैंग्वेज इज स्पोकन एंड अंडरस्टूड इन पाकिस्तान? आंसर है उर्दू इज स्पोकन एंड अंडरस्टूड इन पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम, हमने कॉलम को मिलाना है, कॉलम ए और बी हमें दिए गए हैं, हमने कॉलम ए की स्टेटमेंट को पढ़ के कॉलम बी के साथ मिलाना है। पहला है कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का दारुल खिलाफा कौन सा है? पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद, तो हम इसको मैच कर देंगे कैपिटल ऑफ पाकिस्तान को इस्लामाबाद के साथ। नेक्स्ट है बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का बड़ा शहर कौन सा है? पाकिस्तान का बड़ा शहर कराची, तो हम इसको मैच कर देंगे कराची के साथ, पाकिस्तान का बड़ा शहर है कराची। पाकिस्तान्स मैनचेस्टर, मैनचेस्टर कौन सा है पाकिस्तान का? फैसलाबाद से, हम फैसलाबाद से मैच करेंगे। नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान कौन सी है? उर्दू, इसको हम मैच करेंगे उर्दू के साथ।
डियर स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट नंबर 1 की कंप्लीट एक्सरसाइज की है। आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करके ज़ुबानी अपनी नोटबुक पर लिखकर चेक करना है। आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो इन्हें लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।